जय राम जी की, जय तेजा जी, जय भीम, जय माता जी की सा, जय जय राजस्थान। मेरे सभी क्षेत्रवासियों को एडवोकेट भारती शेखावत की तरफ से हार्दिक प्रणाम। मैं आज सभी के समक्ष इसलिए उपस्थित हुई हूँ कि अभी उदयपुर बाटी विधानसभा में पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए मैंने निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 से नामांकन फॉर्म लगाया और काफ़ी हद तक टिकट मिलने की भी उम्मीद थी, ताकि मैं अपने क्षेत्र की, अपनी पार्टी की और अपने देश की सेवा कर सकूं। लेकिन हमारे वहाँ के भूतपूर्व विधायक श्री शुभकरण जी चौधरी, जिनको अगर मैं एक तानाशाह विधायक कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, वो सब जगह एक मुद्दा रखते हैं कि एक जाट बाहुल्य क्षेत्र है। तो मैं इन भूतपूर्व विधायक से पूछना चाहती हूँ, आपकी बात मानी हमने कि जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो जब वहाँ एक राजपूत वर्तमान विधायक हो सकते हैं तो एक क्षत्राणी पंचायत समिति सदस्य क्यों नहीं हो सकती, या वो आने वाली प्रधान क्यों नहीं हो सकती? कि जाट बाहुल्य क्षेत्र का जो तमगा आपने लगा रखा है, ये तमगा आपने उस क्षेत्र के लिए नहीं, अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए लगा रखा है और जनता को आपने गुमराह कर रखा है कि ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जाट बाहुल्य क्षेत्र है। जब वहां एक राजपूत विधायक हो सकते हैं तो एक क्षत्राणी पंचायत समिति सदस्य और प्रधान क्यों नहीं हो सकती? कुछ लोग कहते हैं कि जिनके पास सामान होता है वो ये टिकट लेके आते हैं, तो मैं ऐसे सामान वालों से ये कहना चाहती हूँ कि जिसके पास सामान होता है ना, वो सिर्फ टिकट को खरीद के ही ला सकता है, वो जनता के वोट नहीं ले सकता। वो अपने सामान के बलबूते पे एक बार जनता में तो जीत जाएगा, लेकिन दोबारा उसको हार का ही मुँह देखना पड़ता है। तो अपने सामानों को अपने पास में रखें। जनता से वोट लेने के लिए जनता का दिल जीतना पड़ता है और जनता के लिए क्षेत्र में काम करना पड़ता है। चपले घिस जाती है लोगों की जब जाके जनता उनको वोट देती है। तो कोई भी इस तरह के जो व्यक्ति हैं कुछ कहते हैं, उनको मेरा ये करारा जवाब है और इन तानाशाह विधायक को मैं ये कहना चाहूंगी कि विधायक साहब, आपने तो हमारा एक फोन तक भी अटेंड नहीं किया, एक फोन तक नहीं उठाया आपने हमारा। क्यों, आप एक राजपूत क्षत्राणी से डर गए? एडवोकेट भारती शेखावत उन लोगों में से नहीं है जो किसी राजनीतिक नेता के तलवे चाटे। अगर टिकट लेंगे तो हम हमारे बलबूते पे लेंगे। अरे राजपूत तो वो होते हैं कि जहाँ वो खड़े होते हैं ना, तहीं ही उनका आसन बन जाता है। हमें खड़े होने के लिए आपकी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आज की जनता बहुत जागरूक है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, और जो आपने पूरे उदयपुर बाटी विधानसभा के लोगों को गुमराह कर रखा है कि जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो मुझे ये बताइए उस विधानसभा के अंदर जाट और राजपूत के अलावा माली, मीणा, गुजर, रेगर, अन्य कई जातियाँ रहती है, और हम सब, और विशेष रूप से मैं सर्व समाज के लिए कार्य करती हूँ। सर्व समाज के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सबके दुख सुख दुख में हम शामिल होते हैं, सबके लिए काम करते हैं। हम किसी एक जाति को अपने दिमाग में लेके नहीं चलते। जो आपने पूरी उदयपुर वाटी की जनता को आपने भ्रमित कर रखा है कि जाट बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे एक राजपूत को टिकट नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्यों नहीं दिया जा सकता? आप एक बार टिकट तो देके देखते। भारी मतों से जीत हासिल होती। आप अपने आप को वहां का भूतपूर्व विधायक कहते हैं, लेकिन आप तो इस पार्टी को खोखला करने का काम कर रहे हैं।
क्योंकि आप योग्य व्यक्तियों को तो टिकट देते ही नहीं है। जब एक गलत आदमी के हाथ में पावर आती है तो वो अपनी पावर का इस तरह से मिसयूज करता है। वो ये देखता है कि कहीं मेरे सामने मेरा ही प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं हो जाए। इस भय की वजह से वो ऐसे लोगों को टिकट देता है जिसको राजनीति का रह भी नहीं आता, उसको ये भी नहीं मालूम कि मैं कौन से वार्ड से खड़ी हो रही हूँ। जब उन टिकटार्थियों से ये पूछा जाता है कि आप कौन से वार्ड से खड़े हो रहे हैं तो वो ये कहते हैं हम बीजेपी से हैं। उनको ये नहीं मालूम कि वार्ड क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। आज मैंने बीजेपी की सूची देखी है उदयपुर वाटी विधानसभा की, उसमें कई महिलाओं को टिकट दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने कई महिलाओं को टिकट दी है, लेकिन आपने उन महिलाओं को टिकट दिए जिनके मुखिया पुरुष हैं, वो खुद फील्ड में कुछ नहीं करेंगी, उनके परिवार के लोग करेंगे। क्योंकि उनमें से कई से मैं व्यक्तिगत रूप से मिली हूं, और जब मैंने उनसे पूछा तो उनको ये भी नहीं मालूम कि हम कौन से वार्ड से खड़े हो रहे हैं। मैं शुभकरण चौधरी से ये पूछना चाहती हूं कि क्या इसी तरह के लोग आप रखेंगे? क्या इस तरह से आप हमारी उदयपुर वाटी विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी में मजबूत करेंगे? आपकी हार का मुख्य कारण यही है। कि आपने अपने निजी स्वार्थों को तवज्जो दी है, ना कि जनता के हितों को। अगर आप जनता के हित को सब सर्वोपरि रखते ना तो आप हार का मुंह नहीं देखते, और इसीलिए फिर जनता सेक्युलर पार्टियों को वोट देती है। आप जैसे लोगों की ही वजह से जनता सेक्युलर पार्टी को वोट देती है, अदरवाइज उदयपुर वाटी की जो जनता है वो इतनी समझदार है कि वो बीजेपी को ही वोट दे। लेकिन आप जैसे स्वार्थी लोगों की वजह से ही जनता विवश होकर के दूसरी पार्टी को वोट देती है, क्योंकि आप योग्य टिकटार्थियों को तो टिकट देते ही नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप जनता का फोन तक नहीं उठाते। अगर आप जनता का फोन तक नहीं उठाते हैं तो फिर आप किसके लिए काम कर रहे हैं? वोट तो आपको जनता ही देती है, या आप खुद के वोट से जीतेंगे? तो माननीय भूतपूर्व विधायक साहब, अपने स्वार्थों को साइड में रखिए और जनता के लिए काम किया कीजिए। अपने पद का दुरुपयोग मत कीजिए। आपने मुझे टिकट नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मैं क्षेत्र में आऊंगी ना, अपने बलबूते पे आऊंगी। मुझे अपने क्षेत्रवासियों की सेवा करने के लिए आप जैसे राजनेता के तलवे चाटने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्षत्राणी हूं और अपनी पहचान बनाना, अपना वजूद बनाना मुझे अच्छी तरह आता है। और अपने सभी क्षेत्रवासियों से, अपने विधानसभा वासियों से भी यह कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग तो अपने परिवारवाद और अपने रुतबे से टिकट लेके आ जाते हैं, लेकिन वो लोग ये भी नहीं देखते कि हमारे ही समाज की एक बहू और भी है जिसके लिए हम प्रयास करें। क्यों? क्योंकि उनका निजी स्वार्थ उनके ऊपर हावी है। उनका निजी स्वार्थ उनके ऊपर हावी है कि कहीं ऐसा ना हो अगर ये आ जाए तो ये प्रधान बन जाए कि हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए ऐसे लोग भी अपना दुरुपयोग करते हैं। लेकिन जिसको जिंदगी में कुछ करना होता है ना, उसको किसी रुतबे की जरूरत नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी को ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, ना कि ऐसे स्वार्थी लोगों की जो चेहरा किसी और का यूज में लेते हैं और बाजार में दूसरे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए काम करती है और हिंदूवादी पार्टी है, लेकिन इसमें ऐसे निजी स्वार्थी लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए इस पार्टी को नीचे से खोखला करने में भी पीछे नहीं है। और ये बात जब अब चालू हुई है ना, तो ये बात अब दूर तक जाएगी, ये बात राजस्थान तक नहीं रहेगी। ये आज मैं आपको स्पष्ट तक कह देती हूँ कि उदयपुर वाटी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीत पा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है ये खुद।
क्योंकि ये अयोग्य व्यक्तियों को टिकट बांट रहे हैं। एक शत्रणी का फोन उठाने में इनको भय लगता है कि एडवोकेट भारती शेखावत को जवाब क्या देंगे। तो जवाब तो आपको हाई कमान को देना होगा, मुझे नहीं। धन्यवाद।